तो अब बात करते हैं अबाउट एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम योर नीट पी जी एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर प्लाब एग्जाम सो एडवर्स इफेक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन इट इज एनी अनडिजायरेबल और अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इट इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स ऑल काइंड मतलब इतना बड़ा होता है एडवर्स इफेक्ट उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है साइड इफेक्ट दिस इज साइड इफेक्ट ये साइड इफेक्ट और ये एडवर्स इफेक्ट ये बहुत कॉमनली डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ये आपके एम में प्रोफेशनल्स में और आपके पीजी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है साइड इफेक्ट इतू सा एडवर्स इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा ठीक तो so, इसमें सब कुछ आ जाता है ट्रिवियल सीरियस या इवन फेटल फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है एनी नॉक्शियस चेंज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू अ ड्रग इंडिकेट्स कॉशन इन द फ्यूचर यूज ऑफ द सेम ड्रग इट एक्सक्लूड्स ट्रीवियल और एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट एंड पॉइजनिंग ओवर डोज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले सब एडवर्स इफेक्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए सारे ड्रग्स केपेबल है एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करने के कब जब भी कोई ड्रग देते हैं तो एक रिस्क हम लेते हैं दैट इज नोन एज रिस्क बेनिफिट रेशियो इफ द बेनिफिट इज मोर एंड द रिस्क इज़ लेस तभी हम देंगे नहीं तो नहीं लेंगे ऐसे एक तराजू है सपोज एक तराजू है ठीक है जैसे कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और आपने जज के उसमें देखा भी होगा कानून के हाथ लंबे होते हैं ये एक तराजू है ये रिस्क और ये बेनिफिट तो अगर बेनिफिट का पलरा भारी है मतलब बेनिफिट ने रिस्क को कम कर दिया बेनिफिट का पलरा भारी ऐसे करता हूं ठीक ये रिस्क और ये बेनिफिट इफ द बेनिफिट आउटवेज द रिस्क ठीक है बेनिफिट का पल भारी हो गया और रिस्क कम हो गया तब तो हम दवाई देंगे बट अगर रिस्क ज्यादा है बेनिफिट कम है तब हम नहीं देंगे ठीक जैसे कि कैंसर ट्रीट करने में रिस्क बोन मारो डिप्रेशन का भी जस्टिफाइड ऐसे मीथोट्रिक्स से एंटी कैंसर ड्रग से बोन मारो डिप्रेशन होता है वो हमको चलेगा कि कैंसर जानलेवा बीमारी मरीज मर सकता है उससे मगर एंटी स्टेमिनिक जैसे सेटेरिजीन हो गया वो तो सेकेंड जनरेशन हो गई लीवो सेटेरिजीन या फर्स्ट जनरेशन में क्लोर फेनेराम या फेनेरामीन एनी वन ऑफ देम उनके से हल्की सी भी नींद आना वो नहीं चलेगा हमको एक कॉमन कोल्ड होता है अभी मेरा कुछ दिन पहले गला बैठा था वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था तो मैं खाता था लिवो सेटेरिजीन जैसे मेरे को नींद नहीं आती तो मेरे को चलता था किसी किसी को नींद आती है तो वो नहीं चलेगा उनको ठीक फिर एडवर्स इफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे कैन डेवलप प्रॉम्प्टली ऑल ऑफ अ सडन या फिर आफ्टर प्रोलॉन्ग मेडिकेशन और आफ्टर स्टॉपेज ऑफ द ड्रग ठीक रेयर नहीं होते कॉमन होते हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी जो लोग ले रहे होते हैं या एल्डरली लोगों में ज्यादा होते हैं दीज आर क्लासीफाइड इन टू प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल बात करते हैं सबसे पहले प्रिडिक्टेबल टाइप ए और ऑगमेंटेड रिएक्शंस की दीज आर मैकेनिज्म बेस्ड एडवर्स रिएक्शंस विच आर बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग दे कैन बी साइड इफेक्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रॉल दे आर मोर कॉमन डोज रिलेटेड प्रिवेंटेबल एंड रिवर्सिबल फिर बात करते हैं टाइप बी और बिजार रिएक्शंस की विच आर अन प्रिडिक्टेबल दे आर बेस्ड ऑन द पिक्यूलियारिटीज ऑफ द पेशेंट दो में डिवाइडेड होते हैं एलर्जी एंड एडियोसिंक्रसी दीज आर लेस कॉमन नॉन डोज रिलेटेड मोर सीरियस

directly or indirectly it contributes to the death of the patient. <coughs> <clears throat> then prevention case yoga, sub avoid all inappropriate use of drugs in the context of patient's clinical condition. second, use appropriate dose, route and frequency of drug administration based on patient's specific variables. number three, elicit and take into consideration previous history of drug reactions.

नंबर सेवन कैरी आउट अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद विद्ल्यू पी टी वेप्ट वॉर्फर एन डब्ल्यू एक्सटेंसिक पाथवे पे काम करता है पी टी प्रोथ्रॉम टाइम हिपेरन का उल्टा होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की मॉनिटरिंग चाहिए होती है और इंट्रेंसिक पाथवे पे काम करता है एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीरियम ऑफ सीरम ड्रग लेवल्स विद लिथियम अब कैटेगरीज क्या, क्या क्या होते हैं सबसे पहला साइड इफेक्ट्स दीज आर अनवॉन्टेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल फार्माको डायनेमिक इफेक्ट विच कैन अकर एट थेरेप्यूटिक डोजेस दे कैन बी प्रोडिक्टेड फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग एंड आर नोन टू अकर इन अ गिवेन परसेंटेज ऑफ ड्रग रेसिपियंट्स रिडक्शन इन डोज यूजली एमिल्योरेट्सम्स डोज कम करा खत्म खलास साइड इफेक्ट कैन बी बेस्ड ऑन द सेम एक्शन एज ए थेरेपेटिक इफेक्ट जैसे कि एट्रोपिन को प्री एनेसेटिक मेडिकेशन के लिए दिया जाता है फॉर इट्स एंटी सिक्रेटरी एक्शन गला बिल्कुल सुखा देता है वो अब वो ड्राइनेस ऑफ माउथ इज अ साइड इफेक्ट थेरेपेटिक इफेक्ट क्या हुआ हम नहीं चाहते कोई भी सिक्रीशियन सर्जरी के टाइम में इंटरफियर करें क्योंकि तो जनरल आने से आपको पता है आदमी पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है उसको बाहर से ऑक्सीजन दी जाती है तो कोई सा भी सिक्रीशन अगर ट्रेकिया से अंदर चला गया मरीज उसी समय न्यूमोनाइटिस से मर जाए मर जाएगा ठीक फिर ियल ट्राइनाइट्रेट जो होता है वो एंजाइना के पेन को तो ठीक कर देता है क्योंकि डायलिट कर देता है बट अब आप आपको पता है सेरिब्रल वेलीटेशन के सर फटने लगता है जो माइग्रेन होता है उसकी दो थ्योरीज होती है एक होती है वैस्कुलोजेनिक दूसरी होती है न्यूरोजेनिक तो जो वैस्कुलोजेनिक थ्योरी होती है ड्यू टू तो डायलिटेशन ऑफ क्रेनियल ब्लड वेसल्स बहुत सर फटता है तो थ्रॉबिंग हेड होता है ड्यू टू तो सेल या क्रेनियल ब्लड वेसल्स के वेसोडिटेशन की वजह से फिर नॉन स्टोडल एंटीटरी ड्रग्स का फायदा यह होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंड को तो इनिबिट करती हैं तो इससे वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करती हैं और दर्द को तो इतना रोल नहीं है पेन को रिलीव करने में मेन उनका इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है दैट इज अ प्लस पॉइंट बट माइनस पॉइंट क्या है गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज इफेक्ट ड्यू टू इनबेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड क्योंकि कॉक्स वन इनिबिट हो जाता है साइक्लोक्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ठीक उसके बाद साइड इफेक्ट कैन बी बेस्ड ऑन अ डिफरेंट फैसेट ऑफ एक्शन जैसे कि प्रोमेथेज सेडेशन आता है विच इज अनिलेलेटेड टू इट्स एंटी एलर्जिक एक्शन देन ईस्ट्रोजेंस कैन कॉज इज नोजियाटेड टू देयर एंटी ओविलेटरी एक्शन देन अन इफेक्ट कैन बी थेरेप्यूटिक इन वन कॉन्टेक्स्ट बट साइड इफेक्ट इन अनदर जैसे कि कोडीन जो कि एक ओपियोड है खांसी में दिया जाता है इट प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट सी फॉर कोडीन सी फॉर कॉन्स्टिपेशन बट यही कॉन्स्टिपेशन हेल्प करता है ट्रैवलर्स डायरिया जब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी जगह पर आपको डायरिया हो जाए तो ट्रैवलर्स डायरिया ठीक फिर डिप्रेशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिजॉक्सिन का डिजाइड इफेक्ट है हमको चाहिए वो अच्छी बात है एट्रियल फेब्रिलेशन में इसको बहुत कॉमनली दिया जाता है डिजॉक्सिन के दो ही उदेस याद करने आपको एक तो हार्ट फेलियर दूसरा एट्रियल फेब्रुलेशन सो एट्रियल फेब्रिलेशन में क्या होता है बहुत जल्दी ऐसे ऐसे चलता रहता है साइनो एंट्रियल नोड से ऐसे ऐसे इंपल्स आते रहते हैं ऐसे 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 और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और बंडल ऑफ फे ये हो क्या अरे अभी थोड़ा धीरे धीरे हो धीरे धीरे तो थ्री टू फाइव बीट्स पर मिनट इतना इत, अगर आप ऐसे दिल रखोगे तो इट विल फील लाइक अ अक ऑफ वर्म्स लाइक अ बैग ऑफ वर्म्स इतना ऐसे ऐसे करता है हार्ट ऐसे के रहता है ठीक ऐसे बट दिस इज अनडिजायरेबल जब उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हार्ट फेल है हार्ट फेल है हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो उस समय हम नहीं चाहेंगे कि एट्रियोवेंटिकुलर कंडक्शन डिप्रेस हो हम चाहेंगे वो इंक्रीज हो ठीक है तभी डिजॉक्सन का आइनोट्रॉपिक इफेक्ट कम्स इन टू प्ले बिकॉज इट इज अ ड्रग विच इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ द हार्ट फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात करते हैं दीज आर द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग

Paracetamol overdosage. Then CNS, CVS, kidney, liver, lung, skin, and blood forming organs are most commonly involved in drug toxicity. So, toxicity is from extension of the therapeutic effect itself, like coma by barbiturates, complete atrioventricular block by digoxin, bleeding due to heparin, which is a, a parenteral anticoagulant, and hypoglycemia due to insulin. फिर अनदर एक्शन ऑफ द ड्रग कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिसिटी जैसे कि मॉर्फिन होता है वो पेन को तो ठीक करता ही है बट साथ ही साथ रेस्पिरेटरी फेलियर भी कर देता है ओवर डोसेज में रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है देन इमेप्रमीन विच इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ओवर डोज में इट कैन कॉज कार्डिय कैरमिया देन स्टेप्टोमाइसन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज वेस्टिबुलर डैमेज ऑन प्रोलॉन्ग यूज बिकॉज इट बिलोंग्स टू अमाइनोग्लाइकोसाइट शाहरुख खान ने बनियान पहनी थी ओ एन एन ब्रांड की ओटोटॉक्सिसिटी nephrotoxicity and neuromuscular blockade then gentamicin antibacterial causes vestibular damage on prolonged use again this is an aminoglycoside where poisoning can result from large doses of drugs because it is a dose which distinguishes a drug from a poison poison is a substance which endangers life by severely affecting one or more vital functions not only drugs but jo household or industrial chemicals may be involved hote in poisonings स्पेसिफिक एंटीडोड जैसे कि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एजेंट्स या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं कुछ कुछ पॉइंज के लिए जनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट सब में करना है और किसी किसी में सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है तो वो हम दे सकते हैं अब क्या क्या मेजर्स होते हैं सबसे पहले एयरवे जो तो आपके ए होते हैं पेटेंट एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन उनको मेंटेन करके रखना है फिर एडिक्वेट वेंटिलेशन गिव आर्टिफिशियल रेस्परेशन और हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन इनहलेशन एज नीडेड देन सेकेंड में मेन्टेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट बाई फ्लूड एंड क्रिस्टेलॉयड इन्फ्यूजन प्रेशर एजेंट्स वो होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं दे आर नोन एज प्रेसर एजेंट्स कार्डियक स्टिम्योलेंट्स एक्सटर्नल कार्डियक मसाज ठीक है बाहर से आप हार्ट को मसाज कर सकते हो पेसिंग या डिफेब्रिलेशन

इंजेस्टेड पॉइजन शुड नॉट बी अटेम इन कोमाटोसली हो चुका है यह ही अनस्टेबल पेशेंट एमएसएस और गैस्ट्रिक लवाज इज नॉट रिकमेंडेड इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स मोर दैन टू आवर्स इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स मोर दैन टू आवर्स आफ्टर इंजेस्टिंग द पॉइजन और इफ द पेशेंट हैजॉमिटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजन तब देने का मतलब नहीं बनता obviously. फिर प्रिवेंशन ऑफ ऑब्जॉर्बेशन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन a suspension of 20 to 40 gram that is 1 gram per kg of activated charcoal which has large surface area and can adsorb adsorption is a surface phenomenon it can absorb many chemicals this should be administered in 200 ml of water however strong acids and alkalis metallic salts iodine cyanide caustics alcohol hydrocarbons and other organic solvents are not adsorbed by alcohol उसके बाद हीसनिंग एलिमिनेशन कैन बी डन बाई इंड्यूसिंग डायोरेसिस फिरोसोमाइड दे सकते हैं विच इज ए लूप डायोरेटिक विच ब्लॉक्स द सोडियम पोटासियम टू क्लोराइड सिंपोटर इन द थिक एसेंडिंग लिम्बो ऑफ लूप ऑफ ले या फिर मैनेटॉल दे सकते हैं विच इज एन ऑस्मोटिक डायरोटिक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वो होते हैं ऑस्मोटिक सब्सटेंसेज जिनका बहुत हाई मॉलिकुलर वेट होता है सो दे बेसिकली पुल आउट वाटर तो सरेब्रल एडिमा केस में मैनेटॉल दे सकते हैं ऑल्टरिंग यूरिनरी पी एच लाइक एल्कलनाइजेशन फॉर एसिडिक ड्रग्स बारबिटोरेट्स और एस्पेरिन में दे सकते हैं बट आपको एक पॉइंट याद रखना है एक्सक्रीशन ऑफ मेनी पॉइजन इज नॉट एनहांस्ड बाई फोर्स डायोरिस और ये प्रोसीजर को अब हम लोग यूज नहीं करते हीमोडायलिस एंड हीमो परफ्यूजन दैट इज पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू अ कॉलम ऑफ चारकोल और एबजॉर्बेंट रेजन आर मोर एफिकेशियस प्रोसीजर